शाही, कानानव शाही, इनको महाविष्णु भी कहते हैं। बहुत ध्यान देकर के सुनिएगा। प्रथम पुरुष श्री कृष्ण से पहले निकलता है बाहर, उसको कहते हैं महाविष्णु, इसको कहते हैं कानानव शाही। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इनके अंदर प्रकृति है माया, तो महाविष्णु प्रकृति की ओर माया की ओर बस सोचते हैं, चिंतन करते हैं और वो प्रकृति माया उनके अंदर से बाहर आ जाती है। बाहर आती है, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, और बाहर आने के बाद महाविष्णु वो कानानव शाही क्या करते हैं, उनकी ओर देखते हैं माया की ओर, कुछ बोलते नहीं है, बस प्रकृति की ओर देखा। योग माया जो भगवान की बहन है, दुर्गा मैया जिसे भी कहते हैं, तो योग माया को देखते हैं भगवान, बस महाविष्णु बस देखते हैं, तो देखने मात्र से प्रकृति में हलचल होने लग जाती है, और जैसी हलचल होती है तो उसके अंदर से महान तत्व एक प्रकट होता है। सुन लीजिए बस, महान तत्व प्रकट होता है, और उस महान तत्व से फिर अहंकार तत्व प्रकट होता है, और उस अहंकार भी जब प्रकट होता है तो ये तीन प्रकार का, सात्विकता अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। तो सात्विक अहंकार से देवताओं की उत्पत्ति होती है, राजस अहंकार से इंद्रियों की शब्द रस स्पर्श की उत्पत्ति होती है, और तामस अहंकार से पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है, जिनसे फिर पंच महाभूत प्रकट होते हैं, फिर जिनसे सृष्टि बनती है। ये पृथ्वी आकाश ये सब पंच महाभूत हैं, इनसे फिर आगे सृष्टि होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम पुरुष श्री कृष्ण से प्रकट होता है जिसको कानानव शाही कहते हैं। और जो मैंने सुबह बिरजा नदी बताई थी ना, प्रवचन में साधना के समय ये बिरजा नदी है, कहते हैं जल से, और उसमें जाकर सो जाते हैं। यानी दूसरे पुरुष का काम है अपने अपने ब्रह्मांडों को, आधे ब्रह्मांड को जल से भर देना और उसमें जाकर सो जाना, ये दूसरे पुरुष का काम है। और तीसरा पुरुष आता है, उनको कहते हैं क्षीरोदशाही। इसी दूसरे पुरुष से निकलते हैं तीसरे पुरुष, इसे कहते हैं क्षीरोदशाही। ये क्षीरोदशाही से फिर निकलते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। यही क्षीरोदशाही से ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रकट होते हैं, जो हर ब्रह्मांड में अपने अपने ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, प्रलय करते हैं, उसके पालन करते हैं। और यही क्षीरोदशाही परमात्मा इन्हीं को कहते हैं जो हम सब के अंदर बैठे हैं और हमारे विचारों को नोट करते हैं, ये क्षीरोदशाही रूप में करते हैं भगवान। तीसरा पुरुष जो है भगवान का रूप है, ये हम सब जीवों के अंदर बैठा है, जो हमारे हर विचार को नोट कर रहा है और फिर उसके अनुसार फल देता है। तो ऐसे ही सृष्टि की रचना होती है। तो श्री कृष्ण सृष्टि नहीं करते, ये केवल जीव कल्याण करते हैं, जीवों को प्रेम देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जितने अवतार होते हैं संसार में, अनंत अवतार हो चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो जितने अवतार हैं, किसी भी भगवान में कम या ज्यादा शक्तियां ऐसा कभी नहीं होता, हर भगवान में बराबर शक्तियां होती हैं, इस भगवान में ज्यादा उस भगवान में कम ऐसा कभी नहीं होता। ध्यान दीजिए, सब भगवानों में बराबर शक्तियां होती हैं, लेकिन लीला की दृष्टि से अवतार की दृष्टि से भेदन हो जाता है हर अवतार में। भगवान सब एक है, लेकिन लीला की दृष्टि से, रस की दृष्टि से, हमारे कल्याण की दृष्टि से भेदन है। शक्तियां सब में है बराबर, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिस अवतार में जितनी मात्रा की शक्ति जरूरत होती है, भगवान उतनी मात्रा की शक्ति बाहर निकालते हैं। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा एक एक शब्द पर, 5 मिनट बस और ध्यान दीजिए। यानी जिस अवतार में जितनी मात्रा की शक्ति की जरूरत होती है मार धाड़ के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो भगवान अपनी उतनी शक्ति बाहर निकालते हैं, बाकी शक्तियों को अपने छिपा कर रख लेते हैं। जैसे हमारे पास शक्ति है, भले भगवान जितनी नहीं है, थोड़ी बहुत ही तो है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपको मच्छर काटने आ रहा है, बस 5 मिनट और, मात्र मुश्किल से 5 मिनट, ध्यान दीजिए, फिर प्रवचन को विराम दीजिए।
मान लीजिए आपको मच्छर काटने आ रहा है, अब आपके पास बहुत सारी शक्ति है मच्छर को मारने की, तो क्या अगर आपको कोई मच्छर काटने आ रहा है तो क्या आप ऐसा सोचेंगे, बात नहीं करेंगे, तो क्या आप ऐसा सोचेंगे अरे मच्छर काटने आ रहा है, अरे रिवॉल्वर लगाओ, लाओ जल्दी रिवॉल्वर लाओ, गोली मारेंगे मच्छर को, ये हमें काटने आ रहा है, ऐसा तो नहीं करेंगे आप। अरे मामूली सा मच्छर है, जरा सा हाथ दे दो वैसे ही मर जाएगा, जरा सा स्प्रे छिड़क दो मर जाएगा, अपनी पूरी शक्ति गोली चलाओ मच्छर को मारने के लिए, ऐसा तो नहीं करेंगे। यानी जिस समय जितनी शक्ति की जरूरत है उतनी बाहर निकालेंगे आप भी, ऐसी भगवान के पास अनंत शक्तियां सब भगवान के पास है, बराबर शक्तियां, लेकिन अवतार में जितनी शक्तियों की जरूरत पड़ती है उतना ही शक्तियों बाहर निकालते हैं, इसलिए भेदन हो जाता है हर अवतार में। तो ध्यान दीजिएगा बस दो मिनट और, देखिए चार प्रमुख अवतार होते हैं, चार जितने अवतार हो चुके उनमें चार भागों में बांटो, एक होता है आवेशा अवतार, एक होता है प्राभवा अवतार, एक होता है वैभवा अवतार और एक होता है परावस्था अवतार। सारे अवतार इन्हीं चार के अंदर आते हैं। ध्यान दीजिए आवेशा अवतार कौन से होते हैं, जैसे नारद हैं, यानी जिस अवतार में भगवान अपनी सबसे कम शक्तियां बाहर निकालते हैं। नारद जी कोई मार धाड़ नहीं करते, वो बस हरि नाम लेते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, उधर की बात इधर करते हैं, बस नारायण नारायण बोल के घूमते रहते संसार में, उनका काम बस इतना ही है, वो अपनी शक्तियां नहीं निकालते कोई बात। नारद जी तो भगवान की अवतार है ना, तो जिस अवतार में सबसे ज्यादा कम शक्तियां भगवान निकाले वो आवेश अवतार कहलाते हैं। उससे ऊपर आता है प्राभवा अवतार, प्राभवा अवतार में भगवान और ज्यादा शक्तियां निकालते हैं। ये भी दो प्रकार से होते हैं, एक तो होते हैं भगवान जैसे थोड़ी देर के लिए आएंगे राक्षस को मारेंगे और चले जाएंगे, जैसे मोहिनी अवतार, जैसे मोहिनी अवतार है भगवान आए और अमृत पिलाया बस चले गए, यानी जो कुछ क्षण के लिए आते हैं और अपनी लीला पूरी करते अपना कार्य पूरे करते हैं और फिर संसार से चले जाते हैं, ये प्राभवा अवतार होते हैं, जो थोड़ी देर के लिए भगवान आते हैं, जितनी शक्ति की जरूरत है बस उतना शक्ति लगाते हैं और फिर चले जाते हैं। और एक ऐसे भी होते हैं प्राभव अवतार जैसे वेदव्यास, जो 100 साल के लिए आते हैं और इतने ग्रंथ लिख कर गए जीवों के कल्याण के लिए, अपनी बहुत सारी शक्ति निकाली ज्ञान की और फिर ग्रंथों को लिखा, तो ये भी प्राभव अवतार है जो ज्यादा समय के लिए संसार में आते हैं, इसमें भी पूरी शक्तियां भगवान नहीं निकालते इन अवतारों में भी। और तीसरा अवतार आता है वैभवा अवतार, वैभव अवतार में और ज्यादा शक्तियां भगवान निकालते हैं, जैसे कच्छप अवतार कूर्मा अवतार, इसमें भगवान और ज्यादा अपना ऐश्वर्य निकालते हैं बाहर इन अवतारों में। और आखिरी आता है परावस्था अवतार, इन अवतारों में भगवान अपनी सारी शक्तियां निकाल देते हैं बाहर, और ये कौन से अवतार है, जैसे नरसिंह राम और कृष्ण, ये तीन अवतार है परावस्था अवतार, जिसमें भगवान अपना सारा कुछ शक्तियां बाहर निकाल देते हैं अपने अवतार लीला में। पूर्ण ऐश्वर्य निकाला श्री कृष्ण ने अपना, हाँ द्वारिका बना डाली सोने की, पूरा बचपन से पैदा होने से बस ऐश्वर्य के चमत्कार ही चमत्कार, जेल से भाग रहे हैं जेल को तोड़ करके, बस राक्षसों को मार रहे हैं, सब चमत्कार कर रहे हैं, पूरा ऐश्वर्य निकाल दिया भगवान ने बाहर। तो ये तीन है परावस्था अवतार में, नरसिंह राम और कृष्ण। अब ध्यान दीजिएगा इन तीनों में भी आज हमारे संसार में सबसे ज्यादा भक्त जितने अवतार हो चुके सबसे ज्यादा भक्त किसके दिखते हैं, राम और कृष्ण के, और अवतारों की ज्यादा उपासना नहीं करते, क्यों, क्योंकि किसी भी अवतार में भगवान लीलाएं नहीं करते, राक्षसों को मारेंगे चले जाएंगे, नरसिंह भगवान आए राक्षस को मारा चले गए, तो जितने अवतार हैं जैसे नरसिंह भगवान है आप उनसे प्यार करें और रूप ध्यान करें, शेर का रूप है तो कैसे प्यार करेंगे, डर जाएंगे शेर का रूप तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे ही जितने अवतार हो चुके हैं उनमें लीलाएं नहीं है, प्रेम की लीलाएं नहीं है,
केवल जितनी लीलाएं निकली हैं बाहर वो केवल भगवान ने रामावतार और कृष्णावतार में निकाली है। तो रामावतार में भी जो लीलाएं निकाली है वो केवल चार भावों की निकाली है, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव और वात्सल्य भाव। माधुर्य भाव की लीलाएं भगवान ने रामावतार में नहीं की, उसमें मर्यादा में रहे, एक स्त्री धारण किया, इसलिए तो शूर्पणखा के कान नाक कान कटवा दिए। अरे शूर्पणखा तो पति मानकर भगवान से प्यार किया तो क्या गलत कर दिया, नाक कान कटवा दिए उसके, हम प्यार करेंगे तो क्या हमारे भी नाक कान कटवा देंगे भगवान। लेकिन क्या करें, मर्यादा थी उस समय उनकी, एक स्त्री धारण करना है बस सीता को, इसलिए शूर्पणखा के मन की बात को जान गए थे भगवान, तो मन ही मन वरदान दे दिया कि ठीक है तुम्हें मेरा प्रेम मिलेगा प्रियतम भाव से, लेकिन वो कृष्ण अवतार में, उस अवतार में मैं समस्त जीवात्माओं को प्रेम दूंगा। इसलिए वही शूर्पणखा फिर कुब्जा बन करके आई थी, ये कुब्जा ही है जो पिछले अवतार में शूर्पणखा थी रामावतार में, इस जन्म में कुब्जा बन गई और भगवान के प्रेम को प्राप्त किया। तो यह ऐसे ही रामावतार में चार भाव की लीलाएं हैं, तो उससे ज्यादा सरस है कृष्णावतार, जिसमें सबसे ज्यादा लीलाएं भगवान ने प्रकट की और सबसे रसपूर्ण सरस लीलाएं रामावतार से भी ज्यादा भगवान ने कृष्णावतार में प्रकट की है। जबकि राम कृष्ण नरसिंह सब एक है, अंतर कुछ नहीं है, लेकिन लीला की दृष्टि से अंतर है। कृष्णावतार में भगवान ने पांचों भाव की लीलाएं की हैं, सारे भावों की लीलाएं हैं, और सबसे ज्यादा आकर्षण भी कृष्णावतार में है भगवान के। सारे अवतार 60 गुणों के होते हैं, लेकिन कृष्णावतार भगवान 64 कलाओं से युक्त रहते हैं, चार गुना ज्यादा, चार गुण एक्स्ट्रा है भगवान में। कौन कौन से? रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और मुरली माधुरी। ये चार माधुरियां और अवतारों से भगवान ज्यादा निकालते हैं, और अवतार में मुरली नहीं उठाते। हाँ, और यही मुरली तो जादू चलाती है सब पर। और अवतार में भगवान ने प्रेम लीला नहीं की, कृष्ण अवतार में करते। इसलिए जितने भी अवतार हैं उनमें सबसे ज्यादा जो हमारे कल्याण की दृष्टि में क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, तो कृष्ण से प्यार करना ही पड़ेगा आपको। जब उस प्रेम को पाना, तो प्रेम की देवी देवता कौन है? कृष्ण और राधा। शक्ति के स्वरूप कौन है? दुर्गा मैया। ऐसे ही प्रेम के स्वरूप है राधा कृष्ण, और हम जीवों को क्या चाहिए? प्रेम। इसलिए अगर आप प्रभु राम से प्यार करोगे कि हमें प्रेम दे दो, तो वो कहेंगे मैं कृष्ण रूप में दूंगा, कृष्ण के रूप में आप मुझसे प्यार करो। अगर आप कहेंगे राम शंकर जी से कि हमें गोपी प्रेम दो, तो कहेंगे कृष्ण के पास जाओ, मैंने भी गोपी बन करके वही प्रेम प्राप्त किया है। आप दुर्गा मैया से कहेंगे उनसे आप माधुर्य भाव से हमें गोपी प्रेम दो, तो भी श्री कृष्ण के पास भेजेंगे। अगर हमको प्रेम चाहिए तो घूम फिर करके आपको श्री कृष्ण के पास आना ही पड़ेगा। भगवान सब एक है, लेकिन किसी का काम है प्रलय करने का, किसी का काम है प्रेम देने का, किसी का काम है शक्ति देने का, तो श्री कृष्ण और राधा का काम है केवल प्रेम देने का, और हमें प्रेम चाहिए। इसलिए आपको श्री कृष्ण की भक्ति करनी ही पड़ेगी अगर आपको प्रेम चाहिए तो। घूम फिर करके सब भगवान आपको कृष्ण के पास ही भेजेंगे प्रेम के लिए, तो घूम फिर करके जब आपको आना ही है श्री कृष्ण के पास, तो सीधा सीधा श्री कृष्ण की भक्ति करो ना, तो सब भगवान मान लेंगे कि मेरी भक्ति हो गई, सब मान लेते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करो बस। अगर आप शंकर जी की उपासना भी कर रहे हो, ठीक है, आप शंकर जी का व्रत रखो, दुर्गा मैया का व्रत रखो, लेकिन अनन्य बन जाओ कि ये दुर्गा मैया जैसे गोपियों को आपने श्याम से मिलाया, ऐसे हमें भी मिला दो, श्री कृष्ण से मिला, जैसे सीता मैया को राम से मिला, ऐसे हमें श्री कृष्ण का प्रेम दो। शंकर जी का व्रत रख रहे हैं, शंकर जी से कहो कि जैसे आपने श्री कृष्ण का प्रेम पाया, हमें भी श्री कृष्ण का रास रस, सबसे बड़ा प्यार करते हैं। गणेश जी से भी कहो कि हम आप बस ठाकुर जी का प्रेम दे। तो हर भगवान की आप पूजा करो, सबका सम्मान करो, ऐसा नहीं कह रही मैं कि सबकी सम्मान करना छोड़ो, सबका सम्मान करो, लेकिन प्रेम केवल श्री कृष्ण से। सब भगवान से बस यही कहो कि हमें श्री कृष्ण से मिलाओ, हमें श्री कृष्ण से मिलाओ, हमें प्रेम चाहिए। तो इस भाव से हमें राधा कृष्ण की भक्ति करनी है, यानी राधा कृष्ण की भक्ति से ही आपको प्रेम मिलेगा। अन्य अवतारों में आप कितना भी भटक जाएं, घूम फिर करके सब भगवान आपको कृष्ण के पास ही भेजेंगे।
इसलिए सीधा सीधा कृष्ण राधा कृष्ण से प्यार करो और अपना कल्याण करो। तुम यहाँ है, मैं क्या करूँ, इतना घड़ी बोल रही है, ऐसा लग रहा है बंद करो बंद करो, तो जल्दी 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 मैं बता रही हूँ। तो इस प्रकार इस भाव से भगवान से प्यार करेंगे तब जाकर के आपका कल्याण होगा। सही सही। तो इसी के साथ अब मैं आज की प्रसन्न श्रृंखला को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरु सरकार की जय। छोटे से नारा की जय। Thank you.
कृष्णनगर हिरौती पाल राधिका नगर चंद्रा पाल राधिका नगर सरिता यादव ठाकुर जी की कुर्सी को एक कुर्सी को सामने से हटा दो। कृष्णनगर द्रौपदी कौशिक सुपेला जिन बहनों का नाम पुकारा गया वो सामने आ जाए। बाकी बहन क्या क्या वो लोग सुनते हैं बेचारे, तो बहुत लोगों ने नेगेटिव रिस्पांस दिया, लेकिन आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि मैं खुद नहीं सोच सकती कि आप इतने सारे भक्त उनके यहाँ पर राधिका नगर में सुनने आएंगे। इसलिए आज जो कुछ भी यहाँ मैं यहाँ पर आई हूँ ठाकुर जी की कृपा, आप लोग यहाँ आए हैं उनकी कृपा, हम प्रवचन सुनकर कितना ज्ञान साधना सीख रहे हैं सब उनकी कृपा से है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज ये जो कुछ भी प्रवचन पंडाल इतना सुचारू रूप से ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से चल रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जोरदार तालियों के साथ एक बार ठाकुर जी राधा रानी का ऐसी कृपा वो चला बरसाते रहे कि बस हमारा मन उनके चरणों में लगा रहे। तो जोरदार करने पर अपने प्रभु के लिए बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। विनायक सेवा समिति राधिका नगर बहुत बहुत सुंदर जोरदार तालियों के साथ आप धन्यवाद करते जाइए ताली चाहिए। हितेशी कालीबाड़ी दुर्गा उत्सव समिति राधिका नगर
कौन? वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति राधिका नगर, जितनी भी समितियों का नाम ले रहे हैं अगर उनके लोग यहाँ पर हैं वो आगे आके आप लोग बहुत बहुत आप जो यहाँ पर और जो लोगों को पुण्य दिया सब ठाकुर जी की कृपा है हमारा कुछ हमारा धन्यवाद नहीं जल्दी आइए सरकार की जय। सब लोगों ने पूजन कर लिया है।